एक अनियमित कागज से आप एक सुंदर सा रेगुलर वर्ग मोड़ सकते हैं। एक कोई भी अनियमित कागज लें और इसके बीच में आप एक क्रीज मोड़ें। जब कोई आप क्रीज मोड़ते हैं तो वो एक सरल कोण बनाती है, 180 अंश का कोण बनाती है। जब आप इसको दोहरा करेंगे तो उसके दाईं ओर जो लंबवत रेखा है वो पहली रेखा के 90 अंश पर होगी। अब ये देखिए, जो खड़ी रेखा है उसमें ऊपर से आप मोड़ दीजिए तो इससे कई तह आपस में मुड़ जाएंगी। इसको खोलेंगे तो आपको सेंटर से दो इक्वी डिस्टेंट पॉइंट्स मिल जाएंगे। ये वर्क के दो पॉइंट्स हैं। फिर रेखा को उसकी हॉरिजॉन्टल अक्ष पे मोड़ें। बाद में बाएं सिरे को आप मोड़ करके उस निशान तक लाएं और फिर इस कागज को भी मोड़ करके वहां पर भी एक निशान लगा दें। ये वर्क का तीसरा वर्टेक्स बन जाएगा। इसी तरह से दाएं सिरे को भी निशान तक मोड़ें और उस पर भी एक बिंदु लगा दें और मोड़ दें इसको। इस कागज को खोलने पर आपको वर्क के चारों वर्टेक्स दिखाई देंगे, चारों कोण दिखाई देंगे। अब मोड़कर आप इन चारों कोनों को एक दूसरे से जोड़ दें तो उससे आपको बीच में एक बिल्कुल नियमित वर्ग उभरा हुआ दिखाई देगा। और अंत में ये जो चारों आपने क्रीज बनाई हैं, मोड़ बनाई हैं, इन पर आप पेन के निशान लगा दें जिससे वर्ग एकदम सुस्पष्ट हो करके आपको दिखने लगेगा। ये देखिए वर्ग की दूसरी रेखा है, ये इसकी तीसरी भुजा है और अब इसके साथ ही हमारा नियमित वर्ग पूरा हो जाएगा। यहाँ बिना किसी कैंची के, बिना किसी स्केल के आपने एक नियमित वर्ग बनाया है।